जनाब हम गरीब आदमी है कि एक तो ये प्लांट इधर इनका है, मतलब नहीं होना चाहिए था, एक तो प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा ये मकान का जो क्या बोलते हैं, देखो 3-4 लाख हमने खर्चा किया है, तो डेली ये आके ये रोड का मतलब कबाड़ा बना देते हैं, तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाता है। मैं सरदार थोड़ा से भी उनके साथ करना चाहता हूँ कि नगर मालिक जी मालिकियत है हमारी, मालिकियत जमीन नहीं है। नहीं रोड होगी, हमें रोड का नहीं है, रोड का मतलब कोई नहीं हमें, और मतलब ये है कि हमारे डेली नुकसान होता है, हमारे मकान को भी नुकसान हो रहा है, हमारे खेत को भी नुकसान हो रहा है। अब यही बोलना चाहते हैं कि इनको डंगा दे, ये डंगा दे दें तो गाड़ी चलाएंगे, हम तो आम गाड़ी। मेरा नाम सर संजीव केसरी है। सर बात ऐसे कि कई 2 साल हो गए हमें चलाते, हमारे गांव वालों को कराई करते कि ये यहाँ पर ये जो टिप्पर चढ़ते हैं ये लोग प्लान के, सर ये टिप्पर चलने के काबिल रोड है नहीं, क्योंकि किसी को गर्दा जा रहा है, किसी को कुछ नुकसान हो रहा है। देखिए सर अभी ये सुग्रीव कुमार है, इसने मुझे बुलाया और मैंने आपको बुलाया कि आप आ जाओ थोड़ा देखो मीडिया के माध्यम से, हम सरकार से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तहसीलदार साहब से और डी सी साहब से। ये देखिए सर यहाँ से टिप्पर बहुत भारी टनों के हिसाब से लोड उठाकर यहाँ से निकलते हैं, और सर गरीब आदमी को हमने PMAY के स्कीम के तहत एक मकान दिया हुआ है, और उस स्कीम में इसने अपना आधे से ज्यादा कर्जा उठा के पैसा उठाया है, कुछ नहीं बनता है 1,30,000 में। सर देखो अब यहाँ से टिप्पर चलते हैं, जिस दिन हम यहाँ पर ये लेंटर डाल रहे थे, इसके ऊपर स्लैब डाल रहे थे, उस दिन भी इन्होंने टिप्पर बंद नहीं किया, रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी, तो मैं यहाँ उस दिन भी यहाँ पर खड़ा रहा और इनको काम करवाया, और ये सब देखो अभी ये डाल रहे सर इस रोड की वजह से। सर इस रोड का तो हमें फायदा है, हमारी ये डिमांड रोड है सर, पहले से ही 1994 में ये बनी है, तो चालू हो गई, थोड़ा सा लिंक लग गया, अब इन्होंने इसका ये तो अभी पास नहीं है, और इनके टिप्पर कैसे चलते हैं भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मर जाएगा उसके नीचे से, कोई बच्चा आ जाएगा, कौन है जिम्मेदार सर, किसने इनको परमिशन दी हुई, और इल्लीगल ये लोग प्लांट खोल के रखा हुआ है। अभी ये डाला सर यहाँ पर डंगा लगने की, यहाँ डंगा लगाएंगे, और यहाँ पर ये इन्होंने मिट्टी डाली रखी है, मिट्टी डालेंगे ये खिसकती जाएगी, और मिट्टी डालेंगे कभी टेम्पर गिर के अगर इसके मकान के ऊपर गया, आप बताओ कौन है इसकी इसके मकान का इसे करेगा सर, खोला हुआ है। और भी मानों से मैं बात करा दूंगा आपको कि कितने लोगों को यहाँ नुकसान है, ये सर जो दो प्लांट खोला है ना, मैं सरकार से ये इस हिसाब से मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ सर, ये प्लांट को सुनने में आया है आबादी से 5 किलोमीटर दूर होता है, बट ये 5 किलोमीटर दूर क्या, तो यहाँ पर 100 फुट की जगह नहीं है इन घरों को नजदीक में, और इन्होंने लुक प्लांट खोल के रखा हुआ। सर दूसरी बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी सेंटर है, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल शाही में है 1 किलोमीटर की दूरी, जेएनवी स्कूल सर इधर यहाँ 1 किलोमीटर की रेंज में है, 1 किलोमीटर 500 फुट की रेंज में है सर, और मेडिकल कॉलेज सर बनाया हुआ है सरकार ने, बहुत मेहरबानी है सरकार की मेडिकल कॉलेज हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा को और घट को दिया, हम लोगों को नजदीक में, और देखिए सर लोग प्लांट भी तो जाएंगे, इनका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, सरकारी खर्चा निकलता रहेगा, ये कौन सी सरकार है सर, ये कौन सा इंसान है, डिमांड ये सर इसको शिफ्ट करा दो यहाँ से, बंद करा दो इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, इतना धुआं है सर गर्दा, हमें बहुत मुश्किल आ रही है सांस लेना, सर सुबह उठना है तो ताजी सांस लेने के लिए जाना है, तो ताजी सांस नहीं है बाहर निकलना नहीं बनता सर। सर ये जो लुक प्लांट खोला है उस टाइम यहाँ सर गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है सर ये लुक प्लांट क्या है, इनको बताया गया सर उस टाइम, कुछ लोगों ने इनको गुमराह किया, बताया हम दवाइयों की फैक्ट्री खोल रहे हैं, और साइन ले लिया NOC नहीं लिए, कोई घर में गरीब होता है अनपढ़ आदमी होता है, पीछे से आकर इन्होंने औरतों से घर में गरीब लोगों से साइन लिए, अनपढ़ लोगों से साइन लिए और NOC बनाई है सर, NOC अगर ये अनपढ़ थे तो स्कूल तो अनपढ़ नहीं था, मैडमें अनपढ़ नहीं थी, मिडिल स्कूल में मैडमें अनपढ़ नहीं थी, JNV स्कूल का प्रिंसिपल अनपढ़ नहीं था, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अनपढ़ नहीं था, आप बताओ बाद में
पीएससी है हमारी, वो अनपढ़ नहीं थे। हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर, इनका हमारा अनपढ़ नहीं है, किसी का हमारा परमिशन दे रहा है सर। कोई तो सर कमीशन चक्कर होगा, पैसा का लेन देन होगा सर। सर बबोर में स्कूल है, शाही में स्कूल है, हमारे इधर नजदीक बाड़ी में स्कूल है, जैन में स्कूल है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर पब्लिक ही पब्लिक, देखो वहाँ पर पब्लिक बाहर, इसमें धुआं नहीं जाता है, लोगों में धुआं जाता है, यहाँ पर खड़े हुए इनको ऊपर, ये देखो बाहर नजदीक में जहाँ इन घरों में धुआं नहीं जाता है। आप बताओ ना सर, किस रूल के तहत ये खोला, लो प्लांट खोला है, नहीं खुलना चाहिए था सर। हम भी तो बोलते हैं और हमारी ये डिमांड रोनी है, थोड़ा सा लिख रहा हमें जरूरत थी मेडिकल कॉलेज और हेडक्वार्टर के साथ हमारा लिंक हो जाए, हो गया, अभी अनकम्प्लीट है, कम्प्लीट ही नहीं हुई है, इसकी अर्थ कटिंग पूरी नहीं हुई, आज तक मेटलिंग नहीं हुई है, सोलिंग नहीं हुई है, इसको किसने पास कर दिया और इनको डिप्लोम सैंपलों को और डिप्लोम को चलने की इजाजत किसने दी? और ये धमकी मारते हैं, पता नहीं हम पैसे वाले बन रहे हैं, हम करोड़ों रुपया 40 लाख रुपया टैक्स देते हैं महीने का, ये कौन सी बात होगी सर? फिर ये टैक्स देते हैं तो हम क्या ऐसे मूलियां तोड़ते हैं? सर मांग ये है कि इनको यहाँ से शिफ्ट कराया जाए सर, हमारे लोगों को ये तंगी आ रही है, दिक्कत आ रही है सांस लेने में, और यहाँ पर बीमारियां बीमारियों का जड़ हो जाएगा यहाँ पर। सर एक बात और है कि ये जो रोड बनी है, इस रोड का हमारे लोगों को मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला है, अगर ये मुआवजे के बगैर गाड़ियां चल रही हैं, हमारे लोगों को क्या मिल रहा है? डीसी डोडा से और तहसीलदार साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, वो विजिट करें, वो इस लोक प्लांट को देखें और इसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। हम तो कल ही दे देंगे, रिटर्न में दे देंगे सरकार, तहसीलदार साहब को कल हम दे देंगे रिटर्न में, अगर इसकी कार्रवाई नहीं हुई हमारे लोग तो रोड बंद कर देंगे, फिर तो पुलिस आ जाएगी, इनके इनके कहने से फोन पर ही आ जाती है, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं होती है, कभी सुनवाई नहीं होती, देखेंगे परिवार नहीं क्या करती है पुलिस। आपको तो पता ही है आज महामारी शुरू हो गई है, कोरोना है, एक बीमारी से पूरा देश ग्रसित है, तो ये दूसरी बीमारी शुरू हो जाएगी तो कितने लोगों को गवर्नमेंट ने संभालना है, हमारे गाँव का क्या होगा, सारी फसलें खराब हो गई। यहाँ पर ये देखो, ये पत्तों के ऊपर ये जो जितने भी द्रफड़े हैं, इनके पत्तों के ऊपर ये जो गाय भैंस बकरी खा ली है, इन पत्तों के ऊपर ये गर्दा गुबार और इसका काला धुआं इसके ऊपर पड़ जाता है, मर जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे मर जाते हैं उनके, क्या करेंगे? भेड़ बकरियों के बच्चे मर गए, 30 बच्चे एक बंदे के मर गए पिछले साल। सर हम लास्ट में यही बताएंगे कि एक तो फौरी तौर पर यहाँ पर सर रिक्वेस्ट है हमारे डीसी साहब और तहसीलदार साहब से कि इसको देखें, इसका विजिट करें और ये भी इंक्वायरी करें कि इसकी परमिशन किस हिसाब से हुई है, उन जो परमिशन देने वाले हैं, एनओसियां देने वाले हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है, बहुत गलत है, हमारे साथ बहुत गलत किया है। बस साथ ही लोग प्लाटे सर जी, बड़ी दिक्कत छ, बड़ी बच्चे की प्रॉब्लम छ, अपनी प्रॉब्लम छ, कोई मुश्क छी, कोई की बदबू चल सी रात दिन, कोई सोचे सांस बंद हुई ना कुछ का, बचे छे हार्ट प्रॉब्लम, हाँ 16 महीना तो बचो छो, हार्ट की प्रॉब्लम छी, इंजनी सोचे धूल पान छी, एक मुश्क आई छी, सोचे करीम ना जो छे बाची नेड़े रखने कोई किछ ना, आई क्यों पातो तो आज सब सीधे साधे मानसे अनपढ़ मानसे जो लगे जोचे मुश्क ना जिपले किच ना जिपले, आई क्यों पातो तो आज अनपढ़ लोग छो, बहुत बड़े रहो छो पा, हाँ ठाक तो साइन नहीं चेना बस, हाँ जोचे एंगी चाँच भाई सब बीमार बच्चे भी आपो भी बीमार सांस बंद हुई ना छन कि ऐसा ही गवर्नमेंट कह रहे कि जोचे बंद ना ना लोग प्लांट उछत या आई उछत बस दुई का था छू आई दे कोई आई बड़ी दिक्कत अच्छी माल मैया शो पर पास में सारी माय माय सोची बैठा सलियो मारी गए नो एनी मुश्किल सा थी, हां ते उन्हें आग्रह करे गवर्नमेंट की आसाई के महिला हैं हमारे गांव के हैं ये, इन्होंने छोटी बच्ची भी आपको दिखाई और इन्होंने अपनी मातृभाषा सराजी में बताया क्योंकि इनकी लैंग्वेज ही ऐसी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो छोटी बच्ची है 16 महीने की, इसको डॉक्टर ने मना किया है कि ये जो परफ्यूम होती है उससे भी दूर रखना इस बच्ची को, और हार्ट पेशेंट है ये, और अभी देखो इस छोटी सी बच्ची के लिए कितना जुल्म है,
यहाँ कोई इनके घर के नज़दीक कोई 100 फुट पर ये क्रशर खुला हुआ है ये लूप प्लांट का, और जहाँ पर रात को दिन को स्मेल ही स्मेल चलती रहती है। और आज 4-5 दिन हुए हैं, लॉकडाउन लग गया है और इसका नाजायज फायदा उठाने के लिए इन्होंने फिल्टर निकाल दिया, और आज गर्दा उठ उठ के ना पूरा कार्बन लोगों के घरों के छत के ऊपर और इन फसलों के ऊपर बैठ रहा है। अगर सर ये घास, ये फसल, ये जो इस साल बनेगी, ये यहाँ के इंसान और यहाँ के जानवर खाएंगे, आप बताओ क्या ये सेफ रहेंगे, क्या इनको बीमारी नहीं होगी, क्या इनकी जानें सुरक्षित हैं? और दूसरी बात सर, ये जो क्रशर है, लूप प्लांट है, ये किसी बड़े आदमी का, पैसे वाले का? सर गवर्नमेंट के पास तो पैसे वाले की वैल्यू है, गरीब की तो कोई वैल्यू नहीं। बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकंड में दो बार हमने सबसे पहले इसी की डिमांड रखी कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो, इसको शिफ्ट करो, मगर ट्रस्ट से मस नहीं है। वो बैक टू विलेज वाले भी पता नहीं क्या करते हैं, आगे सरकार तक पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते। मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बैक टू विलेज को दिखाए सरकार की उनके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमारी कंप्लेंट पहुंची कि नहीं पहुंची। और दूसरी बात, एक शाही रोड इन्होंने R&B वालों ने खोली, R&B की वो रोड अधूरी छोड़ी। हमारे गांव में कोई 300-400 कनाल जमीन है जिससे लोग रोजी रोटी कमाते हैं इसी जमीन से। जो इरिगेशन की कोल थी हमारी, वो कोल तोड़ दी R&B वालों ने। हमने बैक टू विलेज में फर्स्ट में सेकंड में आज से पहले 8 साल हो गए, 8 साल डिमांड यही रही कि हमारी कोल चालू करें। हमारे गरीबों की, पब्लिक की कोल चालू नहीं होती है, मार परमिशन एक गुंडे को दे दी है जो यहाँ पर लूप प्लांट खोल के रखा है। और जब हम इसको बोलते हैं यार ऐसे करो, रोड के खड्डे बंद करो, हमारी भी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, हमें भी कोई बीमार हो जाएगा, वो उसका काम है सिर्फ आपने टिप्पर चलाना और इतनी इतनी जहाँ ये टिप्पर रोड है, छोटी गाड़ी यहाँ पर चल नहीं सकती है, ना ही यहाँ पर छोटी गाड़ी लेकर कोई आता है। सारे बोलते हैं ड्राइवर ये जी रोड खराब है। हमारी जो आबादी है, ये जो लूप प्लांट इसके नज़दीक है, ऊपर भी नज़दीक है, इधर भी नज़दीक है, तो इधर भी नज़दीक है, कोई दूर नहीं, बाहर बोबोर में भी नज़दीक है, तो इन लोगों का तो क्या होगा सर? यहाँ पर इतनी बदबू आती है ना कि अगर तहसीलदार साहब, मैं फ़ोन कर लूँगा, अभी भी तहसीलदार साहब को फ़ोन करूँगा कि तहसीलदार साहब यहाँ विजिट करें ना शाम के टाइम, तो पता चलेगा कि यहाँ पर कितना गर्दा है, कितना वो धुआं है और कितना पोल्यूशन है। थैंक यू सर, धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट सरकार तक पहुँचाएंगे, आज कोरोना भी है, लोग क्राई कर रहे हैं, मगर किसको सुनाएं।